मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या प्रकरण की सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई थी और विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान तमाम पहलुओं को सामने रखा गया। इस सुनवाई के बाद अदालत ने शिवसेना नेता सतीश प्रधान को 20,000 के निजी मुचलके और 20,000 की निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद सतीश प्रधान ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और साथ में यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनका कोई भी हाथ नहीं। तो वहीं उनके अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में अब तक 6 आरोपी पेश हो चुके हैं और सभी को कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। 20,000 की सिंगल श्योरिटी पे, 20,000 के बंद पत्र पे इनको रिलीज कर दिया और आज कोर्ट ने कल की डेट लगाते हुए चार्ज फ्रेम करने के आरोप तय करने की